जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज बात बहुत छोटी सी हो रही है, लेकिन बात बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है। बात सिंपल सी ये है कि हमारे दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें कई बार दबी रह जाती हैं, जिन्हें ना हम किसी से कह पाते हैं, ना हम किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, और बस ये सोच कर कि जब सही समय आएगा ना तब पूरी कर लेंगे, ऐसा सोच कर शांत बैठ जाते हैं। कई ख्वाहिशें तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें जल्द से जल्द पूरा करना होता है, जल्दी जल्दी आज ही करना है, अभी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, 10 दिन में रिज़ल्ट आ जाए, 3 दिन में रिज़ल्ट आ जाए, 7 दिन में रिज़ल्ट आ जाए, ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और जब हमें इतनी जल्दी होती है अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने की, तब हम हर तरह के उपाय करते हैं अपने जीवन में जल्दी जल्दी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। पर क्या कभी आपने सोचा है बहुत जल्दी करना या किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना सही होता है? क्या चीज़ों के लिए या जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए एक समय बांधना नहीं चाहिए? कभी अपने आप से पूछ कर देखिए। जल्दी का काम होता है शैतान का, लेकिन वही काम अगर धैर्य से किया जाए, शांतिपूर्ण किया जाए, तो मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है और उससे आपको अनुभव भी बहुत अच्छा मिलता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तो जल्दी ही चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या ऐसा उपाय करें कि वो कार्य जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाए? तो चलें आपको आज जल्दी जल्दी एक ऐसा ही उपाय बताएं जो आपकी मनोकामना को जल्दी जल्दी पूरा कर जाए। मैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। इसी कोशिश में आज की ये चीज़ आपके लिए जो जल्दी 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 मैं लेकर आ गई हूँ। चलिए जी, इससे पहले जल्दी जल्दी ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा से चौथा, छठा, आठवां या बारहवां जाकर शनि बैठा होगा ना, तो आप कितनी भी जल्दी करने की कोशिश कर लीजिएगा, जीवन में कार्य बहुत शने शने यानी कि धीरे धीरे होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा से दूसरा मंगल बैठा होगा ना, तो आपका कार्य बहुत स्पीड से हो जाएगा, एकदम राजधानी की स्पीड से। अगर चंद्रमा से पंचम ग्रह में जाकर यानी कि चंद्रमा से पांचवा जाकर अगर शुक्र बैठ जाएगा ना, तो आपका कार्य किसी व्यक्ति द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। आप खुद प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वही कार्य कोई और करेगा आपके लिए तो तुरंत हो जाएगा। ये हमारे ग्रह, ये हमारी कुंडली और ये हमारे ग्रहों का गोचर हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालता है। इसी प्रभाव के साथ आज का एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में लोग मुझसे जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी जानकारी में से एक छोटी सी जानकारी आज के उपाय से पहले मैं आपको ज़रूर दूँगी। मुझसे किसी ने कहा कि क्या घर के आगे हमें 2-3 सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए, मतलब घर के जब हम ऊपर चढ़ें तो 2-3 सीढ़ियाँ होनी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, ये शुभ होता है या वास्तु के अनुसार ये अशुभ होता है? ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आप अपने घर के सामने 2-3 सीढ़ियाँ बनवा लेते हैं और आप उस पर चढ़कर अपने घर पर जाते हैं, तो ऐसे घर में उन्नति बहुत जल्दी हो जाती है। इसके विपरीत कुछ लोग सीढ़ियों की जगह फ्लैट जगह बनवा लेते हैं। वो पता है क्यों बनवाते हैं? ताकि उनको मोटरसाइकिल चढ़ाने में आसानी हो, स्कूटी चढ़ाने में आसानी हो, तो वो क्या है, स्लोप बनवा लेते हैं।
ये करना गलत होता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप हमेशा अपने जीवन में स्लोपी रहते हैं, यानी कि आपके जीवन के अंदर बहुत फिसलन आ जाती है। आप बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, आपके काम में अवरोध उत्पन्न होते हैं और आपके घर के अंदर छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको अपने घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ करनी हो तो आप कमेंट्स में एक बार हमसे उसके बारे में राय ज़रूर ले लिया करिए। मैं या तो लाइव में या एपिसोड में आपके ऐसे सवालों के जवाब देने बहुत पसंद करती हूँ। चलिए जी, चलते हैं। आज का आपको सरल सा उपाय बताते हैं जिससे आपकी जल्दी जल्दी वाली ज़िंदगी में जल्दी जल्दी बहुत कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए, क्या करना है आपको? आपको एक काले रंग का धागा लेना है। शनिवार के दिन आप एक काले रंग का धागा ले लेंगे। इस धागे को आप अच्छे से गंगा जल से धो लेंगे। धोने के पश्चात इस धागे के अंदर आप 9 लौंग लगा देंगे। इस माला को आपको ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उन पर चढ़ा देना है। पंडित जी से पुनः इस माला को वापस ले आना है। अगर लेडीज़ ये काम कर रही हैं तो वो अपने आंचल में ये माला लेकर आए, मतलब अपने पल्ले के अंदर वो लेकर आए। अगर जेंट्स ला रहे हैं तो वो कोई रुमाल के अंदर इसे रखकर वापस ले आए। घर में लाने के बाद आप एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स स्टील का होगा या लोहे का होगा। इसके अंदर आप चीनी भर दीजिए और बीच में आप ये माला दबा कर रख दीजिए। चीनी जब आप अच्छे से ऊपर भर देंगे तो उसके ऊपर आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए और चारों तरफ चीनी के आप एक एक इलायची रख दीजिए। बक्से को बंद कर दीजिए, बॉक्स को बंद करिए। उसके बाद में आप इसे घर के किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर बहुत अंधेरा रहता हो, जहाँ पर उजाला बिल्कुल भी नहीं आता हो। अब आप लगातार 7 दिन तक यानी कि 1 हफ्ते तक अपने घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। संध्या के वक्त आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान बाबा से आप अपने मन की मुराद बोल देंगे। 7 दिन बाद यानी कि अगले शनिवार को आप ये सारा सामान बॉक्स में से निकालेंगे और ले जाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर छोड़ाएंगे। 7 परिक्रमा लगाएंगे और अपनी मनोकामना पुनः बोल देंगे। अब मनोकामना चाहे पैसे की हो, चाहे घर की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे बंगले की हो, चाहे प्यार की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे विदेश जाने की हो, किसी भी चीज़ की मनोकामना हो वो आपकी सिद्ध हो जाएगी। ज़रूर करिएगा ये कार्य मेरी जान, और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।